14 जून 2021 से मलेरिया निरोधक माह जून के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एस सेठिया के द्वारा मलेरिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। डीएचओ डॉक्टर एस सिसोदिया और साथ ही में डीएचओ डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया, डीएलओ डॉक्टर माधव साहनी, कोविड-19 इंचार्ज डॉक्टर अमित मालाकार, जिला मीडिया अधिकारी मनीषा पंडित और साथ ही में डीएमओ केंद्रीय प्रयोगशाला श्रीमती अर्चना सोलंकी द्वारा दीप प्रज्वलित पश्चात जिला मलेरिया अधिकारी श्री दौलत पटेल द्वारा मलेरिया प्रदर्शनी का अवलोकन कराकर कार्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत शहर का 4 विभाग में विभक्त कर लार्वा सर्वे एवं बुखार मरीजों की खोज कर कार्य सतत किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनी प्रभारी जूनियर मलेरिया निरीक्षक श्री महेश शर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके कार्य की सराहना भी की गई। आज जो है इंदौर में जिला मलेरिया कार्यालय में मलेरिया प्रदर्शनी की गई, जिसका उद्घाटन हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सत्या सर द्वारा किया गया है। इस प्रदर्शनी में हमने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि कैसे मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, कैसे मलेरिया बीमारी का फैलाव होता है और उसको प्रिकॉशन करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी हमने प्रदर्शनी में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। दौलत पटेल, जिला मलेरिया अधिकारी इंदौर। ये जो हमारा 1 जून से लेकर 30 जून तक हमारा मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां चलती है। इसके साथ ही साथ हमारी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये जो इनकी भी प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि अभी बरसात का समय शुरू होने वाला है और उसमें घर के आसपास क्या क्या हमको प्रिकॉशन रखना चाहिए, कहीं टूटे फूटे बर्तन नहीं हो, मतलब या कहीं गड्ढे नहीं हो, कीचड़ नहीं हो, या पोखर वगैरह बने हुए उनको नहीं है, या घर पे आपके छत के ऊपर टायर वगैरह बने हुए, या पुराने मटके रखे हुए हैं, या गमले रखे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी हैं तो वहाँ पर लार्वा पनपता है और अल्टीमेटली वो मच्छर को जन्म देता है और यही मच्छर फिर आगे चल के हम लोगों को बीमारी के रूप में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह की भी है अलग अलग हमें बीमारियों से ग्रसित करती है। इसके प्रिकॉशन के लिए भी हमें कि थोड़ा घर के आसपास साफ स्वच्छता रखें, साथ ही मच्छरदानी का हम लोग उपयोग करें, उस पेड़ पौधे लगाएं तो वो भी किस तरह से लगाना, पौधे वो भी देखें और जो पौधे घने हैं उनकी थोड़ी साफ सफाई कर लें और बीच बीच में कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह है तो उनका थोड़ा स्प्रे कर लें और जैसे भी कोई परेशानी हो तो आप लोग बताएं। आम जनता के लिए अभी पूरा ये हमारे प्रदर्शनी भी चलेगी, अलग अलग PSC ड्रोन्स वगैरह में भी जाएगी और पूरा उनका अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चलेंगे। आपका नाम? डॉक्टर बी एस सत्या, CMHO इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।